तो भाइयों क्या आप तैयार हो आज की इस एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे कमाल के एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप अंगुलियां चबाते रह जाओ। इसीलिए ज्यादा देरी ना करते हुए इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज की पांचवी एक्सपेरिमेंट है डोमिनो इफेक्ट। यारो क्या कभी आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये बिस्किट बराबर ईट एक महल बराबर ईट को गिरा दे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसा सच में पॉसिबल है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। आपने देखा ना गाइस, ये छोटी इकाई वाली ईंट कितनी शानदार तरीके से बड़े ईंट को गिरा देता है। इसे कहते हैं बिग डोमिनो इफेक्ट। और जो नंबर चार पर है वह है ग्राइंडर वर्सेस ग्लास मार्बल। भाइयों हमारे घरों में जो ग्राइंडर होता है वो तो आसानी से सब्जियों को चटनी बना देता है, लेकिन तब क्या होगा जब हम इसी ग्राइंडर में से ग्लास मार्बल को डाल दे? तो ऐसा करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं अमित भाई की इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को। क्योंकि भाई रिजल्ट तो यही होने वाला है। लगभग मैंने 15 कंचे इसमें डाल दिए और 5-7 और डाल देता हूँ। चलो कुछ और डाल देते हैं, 20 के तकरीबन कंचे जा चुके हैं। इसको करते हैं बंद और भाई बड़े ही ध्यान से इसको करता हूँ मैं चालू। ठीक है, एकदम हल्का सा झटका दूंगा भाई। ओहो एक बार फिर से इसको निकाल लेते हैं बाहर, मिक्सर को डालते हैं साइड में और यहाँ ऊपर खुलने वाला है राज कंचों के पिसने का। अंदर पीसी है नहीं आई डोंट नो। और अबे इसमें पाउडर जैसा निकल रहा है। ओ भाई ओ हो, जो कंचे हैं उनकी बन चुकी है यहाँ पर। अरे भाई गजब, मानना पड़ेगा इस ग्राइंडर के ब्लेड को जो इतनी आराम से इस ग्राइंडर ने मार्बल बॉल को चूर्ण बनाकर रख दिया है। इसके लिए 1 लाख तो बनता है। और नंबर 3 पर है कार क्लीनिंग जेल। गाइस अगर आपके पास कार है तब आपको एक प्रॉब्लम अक्सर सामने आता होगा कि ढेर सारे धूल कार के डैशबोर्ड और एसी में घुस जाता है और इसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आपको एक ऐसी जेल मिलेगी जो आसानी से एक काम को कर देगा। और आप इसे लैपटॉप के कीबोर्ड भी आसानी से साफ कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्लैम की तरह रहती है, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। नंबर 2 पर है वाटर पॉलिथीन वर्सेस पेंसिल। यारो क्या कभी आपने ऐसी एक्सपेरिमेंट देखी है जिसमें पानी से भरे पॉलिथीन में ढेर सारा पेंसिल को डाला जाता है तो फिर भी उस पॉलिथीन से पानी का एक भी बूंद बाहर नहीं निकलता? लेकिन ऐसा कैसे होता है और यहाँ कैसे पॉसिबल है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल इसके लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक को लेना है जिसमें कुछ इस प्रकार का लॉक लगा हो। उसके बाद इस प्लास्टिक में पानी को भरना है और जैसे ही आप इस प्लास्टिक को लॉक करेंगे और इसमें पेंसिल को अंदर डालेंगे तब आप पाएंगे कि आप पेंसिल आराम से अंदर से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी पानी का एक भी बूंद बाहर नहीं निकलता। लेकिन ऐसा कैसे होता है, चलिए इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। इस पानी से भरे प्लास्टिक में जब पेंसिल को डाला जाता है तब पानी इसलिए नहीं निकलता क्योंकि इसमें एयर को अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलता और ये पूरी तरह से पैक होता है। बस इसीलिए ऐसा होता है और आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हो, भी 100% वर्क करेगा। और आज की आखिरी एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस इंडियन हैंड कप्स। गाइस आपने भले इस हथकड़ी को रियल लाइफ में नहीं देखा हो लेकिन इसे आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इन हथकड़ियों को तोड़ना बहुत ही आसान है और इसे कोई भी तोड़ देता है। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई, चलिए देखते आज की इस वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले इस हथकड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के बीच इस प्रकार से फंसाया जाता है और फिर इसको हाइड्रोलिक प्रेस को ऑन किया जाता है और ऐसा करने से हाइड्रोलिक प्रेस इनके बीच अपना फोर्स लगाना स्टार्ट करता है, फिर भी इस हथकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। और इसी तरह बहुत मेहनत के बाद हाइड्रोलिक प्रेस के 840 टन बल लगाने के बाद यह हथकड़ी टूटता है, फिर भी इस चेन से नहीं बल्कि हैंडकफ ही खुल जाता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन हथकड़ी को खोलना इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि टीवी और सीरियल में दिखाया जाता है।